हेलो गाइस, यहाँ से हम अपने लेक्चर नंबर DC 109 को कंटिन्यू कर रहे हैं। और अगेन ये लेक्चर आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। डीसी मशीन में आपका एक लास्ट टॉपिक चल रहा था, टेस्टिंग ऑफ अ डीसी मशीन। और टेस्टिंग में भी एक लास्ट टेस्ट बचा हुआ था जो कि है आपका हॉपकिंसन्स टेस्ट। और हॉपकिंसन्स टेस्ट थोड़ा सा आपका लंबा हो जाएगा भाई, तो इस पर आपको दो लेक्चर्स मिलेंगे। ओके, और हॉपकिंसन्स टेस्ट को ही हम लोग और भी डिफरेंट नाम से जानते हैं, जैसे आपका रीजेनरेटिव टेस्ट हो गया, बैक टू बैक टेस्ट हो गया, हिट रन टेस्ट हो गया। ये तीनों नाम जो है हॉपकिंसन्स टेस्ट के लिए ही एक तरीके से यहाँ पे पड़ा हुआ है। और इतना सारा नाम देने का क्या मतलब निकलता है, तो अभी हॉपकिंसन्स टेस्ट को जब हम लोग कवर कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी हम लोग हॉपकिंसन्स टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे बैकग्राउंड फ्रेम बनाएंगे और पीछे वाले लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइज करके स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले वाले टेस्ट में हम लोगों ने स्विंबर्न टेस्ट को पढ़ा था, और स्विंबर्न टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले मैंने वहाँ पे समझाया था कि टेस्टिंग किसी भी मशीन का करना इम्पॉर्टेंट क्यों होता है हमारे लिए। फिर चाहे डीसी मशीन हो, एसी मशीन हो, या फिर कहिए आपका गाड़ी हो, ठीक है, बाइक हो, कार हो, कुछ भी हो, जो भी आप मशीन बना रहे हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने सिंक्रोनस मशीन में एक लेक्चर पढ़ा था, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइसेस। और इस पर्टिकुलर लेक्चर को मैं डीसी मशीन में भी एक तरीके से ऐड कर दूंगा, बिकॉज ये डीसी मशीन में भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना सिंक्रोनस मशीन के लिए इम्पॉर्टेंट था। अभी इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोगों ने क्या सीखा कि हमारे नेचर्स में जितने भी फॉर्म ऑफ एनर्जी अवेलेबल हैं, जैसे सनलाइट हो गया, विंड एनर्जी हो गया, टाइड एनर्जी हो गया, पानी एक पर्टिकुलर हाइट से गिर रहा है वो एक तरीके से पोटेंशियल एनर्जी हो गया, तो जितने भी फॉर्म ऑफ एनर्जी अवेलेबल है हमारे नेचर्स में, उसको हम लोग क्या कर रहे थे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना चाह रहे थे, राइट। और सीधी सी बात है भाई कि अगर आप एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ डिवाइस बनाना होगा, और उस डिवाइस को हम लोग क्या बोल रहे थे, ब्लैक बॉक्स, ठीक है। और क्योंकि अभी हम लोग डीसी मशीन पढ़ रहे हैं, तो डीसी मशीन में हम लोग दो ही डिवाइस पढ़ते हैं, एक हो गया आपका मोटर और दूसरा हो गया आपका जनरेटर, राइट। तो सीधी सी बात है, ये जो आपका मोटर हुआ या फिर जनरेटर हुआ, ये क्या है आपका, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइसेस ही तो है। और मैंने आपको बताया था कि ये जो ब्लैक बॉक्स है जो कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को लेता है अपने अंदर और दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करके दे देता है, तो ये जो ब्लैक बॉक्स है भाई, एक फॉर्म से ले रहा है दूसरे फॉर्म में दे रहा है, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर कोई ना कोई एजेंट काम कर रहा होगा जो कि यहाँ से ले रहा है एनर्जी और दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करके दे दे रहा है। तो क्योंकि अभी हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकल मशीन में आपको पता है कि यहाँ पे एजेंट की तरह कौन काम कर रहा है, आपका मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग सीधे सीधे बोलेंगे ये कपलिंग की तरह काम कर रहा है, जो कि एक से एनर्जी लेता है दूसरे में दे देता है। ओके, तो अभी जैसे अगर हम लोग मोटर की बात करें, तो मान लेते हैं इसमें हम लोग 100% एज ए इनपुट दे रहे हैं, और इनपुट में भी क्या दें, क्योंकि ये मोटर है तो यहाँ पे हम लोग देंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो जाएगा, आउटपुट में हम लोग को दे देगा ये मैकेनिकल एनर्जी। तो सीधी सी बात है, मैकेनिकल एनर्जी हम लोग को मान लेते हैं अगर 90% ही मिल रहा है, तो सीधी सी बात है जो 10% एनर्जी गया वो क्या हो गया, एक तरीके से लॉसेस में चला गया, और लॉसेस में भी नहीं कह सकते हैं, ये अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, जो कि हम लोग यहाँ पे बोलेंगे सीधे सीधे हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। और हीट एनर्जी हम लोग के लिए यहाँ पे एक तरीके से यूजलेस है, क्योंकि हम लोगों ने इस डिवाइस को बनाई है सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, तो अभी जैसे थोड़ा सा अगर हम लोग स्विंबर्न टेस्ट की बात करें, तो स्विंबर्न टेस्ट में भाई हम लोग क्या कर रहे थे, टेस्ट को ही एक तरीके से परफॉर्म कर रहे थे। और टेस्ट परफॉर्म करने का मतलब क्या है कि हम लोग यहाँ पे इफिशियंसी के ऊपर बात करेंगे, यानी इफिशियंसी हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं कि अगर मैं इधर से 100% एनर्जी दे रहा हूँ तो आउटपुट में मेरे को कितना एनर्जी मिल रहा है, ठीक है। और आउटपुट में जितना ज़्यादा मेरे को एनर्जी मिलेगा, इसका मतलब क्या है, ये जो मैंने इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइसेस बनाए हैं, फिर कहिए जो मैंने ब्लैक बॉक्स बनाया है, ये उतना ही ज़्यादा मेरे लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो स्विंबर्न टेस्ट में हम लोगों ने कैसे एक तरीके से एनालाइज किया था इफिशियंसी को, तो हम लोगों ने यहाँ पे दो केस लिया था भाई, ठीक है। केस वन में हम लोग क्या कर रहे थे, अपने मशीन को, फिर चाहे मोटर हो या फिर जनरेटर हो, हम लोग उसको नो लोड पर ऑपरेट कर रहे थे। जैसे ये आपका क्या है, स्विंबर्न टेस्ट का फोटो था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक शंट मशीन लगा हुआ, और मैंने आपको बताया था कि ये शंट मशीन के लिए ही सबसे ज़्यादा एक तरीके से एक्सेप्टेबल है। तो शंट मशीन को हम लोग क्या कर रहे थे, फिर चाहे मोटर है फिर जनरेटर, उसको हम लोग क्या कर रहे थे, नो लोड पे एक तरीके से ऑपरेट कर रहे थे केस वन में। और नो लोड पे आपको पता है कि ये एक तरीके से रेटेड स्पीड पे घूम रहा होगा शाफ्ट,
लेकिन इस पे कोई भी मैकेनिकल लोड कपल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी यहाँ से पावर ले रहा होगा वो सबसे पहले पावर बहुत ही स्मॉल होगा, ठीक है, और वो पावर एक तरीके से कहाँ जा रहा होगा, कहाँ यूटिलाइज हो रहा होगा, तो इस शाफ्ट को घूमने में जो भी आपका फ्रिक्शन लॉस, विंडेज लॉस को एक तरीके से ओवरकम करना है वहाँ पे वेस्ट हो रहा होगा। और ये जो आपका यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग बना है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी को कन्वर्ट करना था, पे एजेंट का जरूरत है, तो एजेंट यहाँ पे क्या कर रहा है, मैग्नेटिक मतलब फील्ड काम कर रहा है ना, फील्ड मतलब यहाँ पे फ्लक्स, तो इसका मतलब क्या है, कुछ पावर जो हो रहा होगा आपका क्या हो रहा होगा, इस फील्ड को यानी यहाँ पे जो फ्लक्स है उसको बनाने के लिए एक तरीके से चला जा रहा होगा, राइट। तो आपको पता है भाई कि टोटल पावर ये जो भी ले रहा होगा नो लोड पे, तो वो एक तरीके से कहाँ कहाँ यूटिलाइज हुआ, विंडेज और फ्रिक्शन लॉसेस में चला गया, जिसको हम लोग यहाँ पे स्ट्रे लॉसेस बोल रहे थे, और आपका जो फील्ड के अंदर पावर लॉस हुआ, ठीक है, फिर कहीं एनर्जी लॉस हुआ, वो क्या था आपका IF² RF के फॉर्म, यानी फील्ड कॉपर लॉस में। और क्योंकि हम लोग एक तरीके से अगर इस पे लोड भी डालेंगे ना इस मोटर पे, तो आपको क्योंकि पता है ये शंट मशीन है, तो शंट में आपका जो फील्ड करंट होता है क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। इसका मतलब क्या, जो फील्ड कॉपर लॉस होगा ये हमेशा कांस्टेंट होगा, नो लोड पे चलाइए या फिर आपका फुल लोड पे चलाइए, ठीक है। तो हम लोगों ने केस वन में सीधे सीधे क्या किया था, नो लोड पे जो लॉसेस हुआ यानी स्ट्रे लॉसेस को फाइंड आउट कर लिया था। उसके बाद सेकंड केस में क्या किया था, इसी मशीन को हम लोगों ने एक बार रेटेड पे ऑपरेट करके देखा एफिशिएंसी कितना आ रहा है, या फिर रेटेड से नीचे पे भी एक तरीके से चला के देखा, या फिर रेटेड से ऊपर भी एक तरीके से चला के देखा। तो इस तरीके से हम लोग एफिशिएंसी को फाइंड आउट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रहा था, मेजर प्रॉब्लम क्या आ रहा था भाई, कि सबसे पहले तो आप यहाँ पे हर तरीके के डीसी मशीन को टेस्ट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आप जैसे डीसी सीरीज मशीन को टेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सीरीज मशीन को अगर हम लोग केस वन में, केस वन मतलब क्या, नो लोड, ठीक है, नो लोड पे चलाएंगे यहाँ पे, तो सीधी सी बात है रन अवे कंडीशन आ जाएगा, तो सीरीज मशीन यहाँ पे फेल हो जाएगा, उसको आप टेस्ट नहीं कर पाइएगा। और दूसरा प्रॉब्लम आ रहा था, मेजर प्रॉब्लम क्या, कि जैसे यहाँ पे दो वाइंडिंग यूज़ हो रहा है, एक फील्ड वाइंडिंग और एक आपका आर्मेचर वाइंडिंग, तो सीधी सी बात है वाइंडिंग के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पे कॉपर यूज़ करते हैं, ठीक है, और कॉपर आपको पता है कि ये क्या है, मेटल है, और मेटल पता है इसका मतलब क्या, कि ये क्या आपका पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशेंट होगा, और टेम्परेचर कॉफिशेंट पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, सीधी सी बात है अगर हम लोग यहाँ पे लोड पे लगाएंगे ना, लोड लगाने से क्या होगा, इसके अंदर आपका ऑलरेडी बताया कि हीट लॉस होता है I²R, तो सीधी सी बात है टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशेंट होने के चलते क्या होगा, जो आपका आर है यानी आर्मेचर रेजिस्टेंस, या फिर जो फील्ड रेजिस्टेंस है, ये क्या होगा एक तरीके से बढ़ जाएगा। ये बढ़ गया इसका मतलब क्या, जो आपका फील्ड कॉपर लॉस आ रहा था या फिर कहीं आर्मेचर कॉपर लॉस आ रहा था, वो एक तरीके से क्या हो जाएगा, वेरी करने लगेगा, या फिर कहीं आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसके चलते आपका एफिशिएंसी यहाँ पे एक्यूरेट नहीं मिल रहा था, ठीक है, ओके। या फिर हम लोग ये जो पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशियंट है, इसके लिए हम लोग फिर क्या कर रहे थे, एक तरीके से हाईएस्ट टेम्परेचर पे, यानी जो भी फुल लोड पे मोटर का जो हाईएस्ट टेम्परेचर राइज करेगा, जैसे 50 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है, तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कितना रेजिस्टेंस एक तरीके से हम लोग को मिलेगा, उस पर कैलकुलेट करके हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे। लेकिन अगेन यहाँ पे लिमिटेशन लगा हुआ था कि हम लोग यहाँ पे डीसी सीरीज मशीन को टेस्ट नहीं कर पाएंगे, तो सीधी सी बात है एक तरीके से क्या है, ये इनकम्प्लीट टेस्ट था, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सारे डीसी मशीन को टेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो इससे बचने के लिए हम लोगों ने एक और टेस्ट को एक तरीके से यहाँ पे फाइंड आउट किया, जो कि हमारा हॉपकिंसंस टेस्ट। तो हॉपकिंसंस टेस्ट अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, और हॉपकिंसंस टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले आपको ये सब पता होना चाहिए, जैसे स्टोर्ड एनर्जी क्या होता है, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर में बताया था। उसके बाद फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये भी मैंने आपको सिम्बर्न टेस्ट में बताया था। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट रेटिंग ऑफ मशीन, रेटिंग ऑफ मशीन ये मैंने इसी में बताया था आपको, थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा दे रहा हूँ। देखिए मैंने आपको बताया था भाई इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइसेस वाले लेक्चर में, कि जैसे अभी हम लोग यहाँ पे डीसी मशीन की बात करें, तो डीसी मशीन में जैसे अगर मैं यहाँ पे मोटर की बात करूँ, ठीक है, तो आपको पता है कि मोटर में आपका ये मान लेते हैं फील्ड वाइंडिंग हो गया शंट में, राइट, ये आपका आर्मेचर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे भाई ये जो आपका फील्ड वाइंडिंग है, ये फील्ड वाइंडिंग क्या कर रहा है, एक तरीके से फील्ड फ्लक्स एक तरीके से जनरेट करके दे रहा है, जो कि एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। क्योंकि ये फ्लक्स नहीं होगा तो तब तक यहाँ पे क्या होगा, एक तरीके से आपका एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट ही नहीं होगा, समझ रहे, क्योंकि ये मोटर है तो सीधी सी टॉर्क, टॉर्क इक्वल टू क्या होता है आपका फ्लक्स के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शन कर रहा है ना, समझ रहे, फ्लक्स होगा ही नहीं तो कैसे आप एक तरीके से टॉर्क जनरेट कर पाइएगा। तो ये फ्लक्स आपका एक तरीके से कहिए इन्वायरमेंट एक तरीके से यहाँ पे क्रिएट करता है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। अब यहाँ पे समझिए, मुझे एक चीज़ बताइए, ये जो फील्ड फ्लक्स है ये तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, समझ रहे बात को,
नो लोड पे ऑपरेट कीजिए या फिर आप रेटेड लोड पे ऑपरेट कीजिए मोटर को, हमेशा ये कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, अब मान लेते हैं यहाँ पे आपका लाइट लोड लगा हुआ, ठीक है, लाइट लोड लगा हुआ, इसका मतलब क्या, इधर जो आर्मेचर करंट खींच रहा होगा ये बहुत ही स्मॉल होगा, समझ रहे बात को। लेकिन वही केस टू में मान लेते हैं यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हैवी लोड लगा दिया, ठीक है, तो सीधी सी बात आर्मेचर करंट और ज़्यादा खींच रहा होगा। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ, इधर से यानी इनपुट साइड से कितना ये पावर खींचेगा या फिर नहीं खींचेगा ये कौन डिफाइन कर रहा है, ये सीधे सीधे आर्मेचर डिफाइन करता भाई, ठीक है। तो जो भी आर्मेचर के अंदर पावर खींच रहा है ना, आर्मेचर जो भी पावर खींचेगा वही आपका क्या हो जाता है, रेटिंग ऑफ मशीन हो जाता है। देखिए सिंपल लाइन में लिखूं तो किसी भी मशीन का, खासकर रोटेटिंग मशीन के लिए, जो रेटिंग डिफाइन होता है वो हमेशा इसके आर्मेचर के बेसिस पे डिफाइन किया जाता है, क्योंकि एक्चुअल में जो पावर आ रहा है किसके पास आ रहा है, आर्मेचर पे ही तो आ रहा है, समझ रहे बात को। इस पर्टिकुलर आर्मेचर के लिए एक रेटेड वोल्टेज कांस्टेंट फिक्स होगा, मतलब वोल्टेज एक फिक्स्ड है, और इस आर्मेचर के अंदर क्योंकि आपने वाइंडिंग किया हुआ तो सीधी सी बात है वायर का जो लाइफ होता है वो करंट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो सीधी सी बात है इधर से जो भी आपका करंट आ रहा होगा एक स्पेसिफिक करंट का वैल्यू यहाँ पे फिक्स कर देना पड़ेगा, नहीं तो उससे ज़्यादा करंट दीजिएगा तो आर्मेचर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक बर्न आउट हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे करंट एक फिक्स हो गया जिसको हम रेटेड करंट बोलेंगे, और यहाँ पे एक वोल्टेज फिक्स है आर्मेचर के लिए जो कि रेटेड वोल्टेज हो गया, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे वही क्या हो जाता है आपका, एक पर्टिकुलर मशीन के लिए रेटिंग डिफाइन हो जाता है, ठीक है। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि रेटिंग हमेशा किसके ऊपर डिपेंड करता है, आर्मेचर के पावर के रेटिंग के ऊपर, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइसेस के ऊपर। अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपने हॉपकिंसन्स टेस्ट को। तो हॉपकिंसन्स टेस्ट में भाई सबसे पहला जो यहाँ पे कंडीशन समझना है ये है आपका फुल लोड पे ये टेस्ट होता है, ठीक है। अब फुल लोड पे कैसे, यानी मशीन जो है कैसे फुल लोड पे चला जाता है ये भी हम लोग समझेंगे यहाँ पे। उसके बाद सबसे पहले तो डायग्राम यहाँ पे बनाते हैं हम लोग। सबसे पहले इसमें हम लोग MG सेट यूज़ करते हैं भाई, ठीक है, मोटर जनरेटर सेट होगा। तो अभी हम लोग इसमें दो केस पढ़ेंगे, एक केस पढ़ेंगे सीधे सीधे शंट के लिए, यानी अभी हम लोग शंट मशीन के लिए पढ़ेंगे, और केस टू में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे DC सीरीज मशीन के लिए, ठीक है। सीरीज मशीन को टेस्ट करना था कैसे हम लोग करेंगे, तो फोटो बनाता हूँ मैं यहाँ पे। ये मान लेते आपका मोटर का आर्मेचर हो गया, ये आपका जनरेटर का आर्मेचर हो गया, ये आपका ब्रश हो गया, और क्योंकि MG सेट है तो दोनों को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मैकेनिकली और इलेक्ट्रिकली कपल्ड करेंगे। तो यहाँ पे दोनों का साफ मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, कपल्ड कर रखा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये मैकेनिकली कपल्ड है, अब इलेक्ट्रिकली कपल्ड है, और अभी हम लोग शंट के लिए काम कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं शंट में इसका फील्ड दिखा देता हूँ, ओके। और एक वेरिएबल रेडियो स्टेट लगा देता हूँ यहाँ पे, एक एमीटर लगा देता हूँ, इसका हम लोग यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग बना देते हैं, एमीटर लगा देता हूँ, इसका वेरिएबल रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा देते हैं, और इसको हम लोग इस तरीके से कनेक्ट कर देते हैं, ओके। उसके बाद ये आपका आरए हो गया और ये आपका आरए हो गया, क्योंकि हम लोग मैकेनिकली कपल्ड कर रहे हैं तो दोनों मशीन क्या होना चाहिए, आइडेंटिकल होना चाहिए, मतलब दोनों सेम रेटिंग का मशीन है, समझते क्या। आरए जो होगा मान लेते इसका 0.5 ओम है तो इसका भी 0.5 ओम ही होगा आर्मेचर है, तो शंट में तो दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, क्योंकि शंट में आपको पता है आर्मेचर और फील्ड क्या होता है, आपस में शंट में होता है, ओके। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्योंकि इसको इलेक्ट्रिकली भी कपल्ड करना है तो यहाँ पे एक वोल्टमीटर लगाएंगे और यहाँ पे एक स्विच लगा देता हूँ मैं, ठीक है, और अभी हम लोग स्विच को ओपन रखेंगे। उसके बाद इधर जो आएगा ना ये आपका हो गया एक तरीके से, यहाँ पे एमीटर लगा देता हूँ और यहाँ पे एक वोल्टमीटर लगा देता हूँ भाई, ठीक है, ये वोल्टमीटर लग गया और इसमें हम लोग प्लस और यहाँ पे जो आपका टर्मिनल निकला माइनस, यानी इधर से हम लोग क्या देंगे, DC सप्लाई दे देंगे, ओके। तो ओवरऑल यहाँ पे मैं बुक का फोटो दिखा देता हूँ, वही है, यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा दिया ताकि यहाँ से बैटरी, यानी जो हम लोग का मेन DC सप्लाई है से कितना वोल्टेज मिल रहा है, इधर से जो मेन करंट आएगा ये करंट पता चल जाएगा। और ये आप देखिए, ये आपका मोटर का हो गया आर्मेचर, ये जनरेटर का हो गया आर्मेचर, दोनों मैकेनिकली कपल्ड है, और यहाँ पे आपका दोनों का फील्ड यहाँ पे दिखा दिया, यहाँ पे वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा दिया, मोटर का आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस ताकि हम लोग एडजस्ट कर सके फ्लक्स को, और ये जनरेटर का वेरिएबल रेजिस्टेंस ताकि इसको भी हम लोग एक तरीके से चेंज कर सकें। उसके बाद यहाँ से मेन करंट पता चल जाएगा, इधर से कितना करंट खींच रहा है, फील्ड में कितना करंट जा रहा है ये आपको बता देगा, जनरेटर के फील्ड में कितना करंट जा रहा है ये आपको पता चल जाएगा, जनरेटर ओवरऑल कितना आउटपुट दे रहा है करंट आपको ये बता देगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों ने स्विच लगा रखा है, यहाँ पे एक तरीके से वोल्टमीटर लगा रखा है, ओके। तो अभी हम लोग थोड़ा सा थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद ये कैसे एक तरीके से ऑपरेट होगा उस पर बात करते हैं। देखिए
सबसे पहले यहाँ पे बोल रहा है भाई द टेस्ट रिक्वायर टू आइडेंटिकल शंट मशीन, क्योंकि अभी हम लोग शंट के लिए एक तरीके से काम कर रहे हैं, विच आर कपल्ड मैकेनिकली एंड ऑल्सो कनेक्टेड इलेक्ट्रिकली इन पैरेलल। देखिए मैकेनिकली तो मैंने आपको समझा दिया कैसे मैकेनिकली कपल्ड है, और इलेक्ट्रिकली भी समझा दिया, क्योंकि आप देख रहे हैं दोनों मशीन का जो आउटपुट है क्या हो रहा है, एक तरीके से इधर से निकल रहा है, इसका इधर से निकल रहा है, ठीक है। और पैरेलल में कैसे कनेक्टेड है इसको भी बता देता हूँ। जैसे मान लेते इधर से मेरा मेन करंट चला, ठीक है, इधर से मेन करंट चलेगा तो सीधी सी बात है भाई, ये तो वोल्ट मीटर है, इधर करंट नहीं टूटेगा, यहाँ पे आएगा मीटर तक, इस पॉइंट पे आते हैं ना दो पार्ट में टूट जाएगा, एक मोटर तरफ चला जाएगा और एक उधर जनरेटर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो आप सीधे से कह सकते हैं ब्रांच में डिवाइड हो गया ना करंट, इसका मतलब क्या, ये मोटर और ये जनरेटर के आपस में इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड है, मैकेनिकली कनेक्टेड है, और कौन सा कनेक्शन है तो पैरेलली कनेक्टेड है ये, ठीक है। नेक्स्ट बोलता है वन ऑफ देम, देखिए लिख रहा है वन ऑफ देम एक्ट एज अ मोटर एंड द अदर एज अ जनरेटर, यानी एक को हम लोग यहाँ पे मोटर की तरह ऑपरेट करेंगे और दूसरे को हम लोग एज अ जनरेटर की तरह ऑपरेट करेंगे, ठीक है। अगला बोल रहा है द मोटर टेक्स इट्स इनपुट फ्रॉम सप्लाई, यानी मोटर को हम लोग इधर से सप्लाई दे देंगे, यहाँ पे मैंने डीसी सप्लाई लगाया हुआ है, ठीक है, मोटर यहाँ से पावर खींचेगा। द मैकेनिकल आउटपुट ऑफ द मोटर, सीधी सी बात है मोटर आपका ये बैटरी से लेगा पावर, और मोटर जब घूमने लगेगा भाई तो सीधी सी बात है ये इसका मैकेनिकली पावर यहाँ पे मिल रहा है तो सीधी सी बात है जनरेटर के साथ को घुमा देगा, समझा, मतलब यही है मोटर एक तरीके से बैटरी से पावर लेगा और मोटर का जो आउटपुट होगा वो एक तरीके से जनरेटर का इनपुट हो जाएगा यहाँ पे, ओके। वही है द मोटर टेक्स इट्स इनपुट फ्रॉम द सप्लाई एंड द मैकेनिकल आउटपुट ऑफ द मोटर ड्राइव द जनरेटर एंड द इलेक्ट्रिकल आउटपुट ऑफ द जनरेटर इज यूज इन सप्लाइंग द इनपुट टू द मोटर। देखिए अभी हम लोग अपने हिसाब से समझेंगे इसको क्या बोला इसने। सबसे पहले आप एक चीज़ समझिए भाई कि जैसे मान लेते हैं ये मेरा एक मोटर, ठीक है, यहाँ पे मैंने मैकेनिकली कपल्ड कर रखा है एक जनरेटर, ठीक है, और ये जनरेटर का आउटपुट हो गया, लेकिन मैंने यहाँ पे जनरेटर के आउटपुट पे एक तरीके से कोई भी लोड नहीं लगाया, नहीं एक तरीके से ओपन है, ठीक है, यहाँ से जो आपका तार निकला है ओपन है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मोटर में मैं एज अ इनपुट एनर्जी दे दे रहा हूँ, ठीक है, यानी यहाँ से मैं इलेक्ट्रिकल पावर दे रहा हूँ, सीधी सी बात है। मुझे एक चीज़ बताइए यहाँ पे, मोटर यहाँ पे लोडेड कंडीशन पे है या फिर नो लोड पे है? तो यहाँ पे भाई मोटर भी आपका क्या होगा, एक तरीके से नो लोड पे होगा। अब आप बोलिएगा कि मोटर का तो शाफ्ट कपल्ड है जनरेटर के शाफ्ट से, तो आप कैसे बोल सकते हैं एक तरीके से ये मोटर नो लोड पे है? देखिए एक्चुअली होगा क्या यहाँ पे, अभी मैं यहाँ पे डिफॉल्ट में मान के चल रहा हूँ और मान के क्या चलूँगा, ये होगा ही, मोटर अभी यहाँ पे क्या एक तरीके से नो लोड पे ऑपरेट करेगा। नो लोड पे क्यों ऑपरेट करेगा समझिए, जैसे मान लेते हैं अगर मैं यहाँ पे कुछ लोड लगा देता हूँ, ठीक है, मान लेते हैं मैंने यहाँ पे रेटेड लोड लगा दिया जनरेटर के आउटपुट सी, तो आपको पता है भाई ऑलरेडी इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस में मैंने बताया है कि जैसे ही यहाँ पे आप लोड लगाइएगा तो लोड लगाते हैं क्या होता है, आपका यहाँ पे एक डेवलप टॉर्क बनेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिकली डेवलप टॉर्क। तो अभी आप इमेजिन कीजिए कि ये जो मोटर है, मोटर का शाफ्ट जो है एक तरीके से इस डायरेक्शन में घूम रहा है, ठीक है, राइट, और जनरेटर का भी डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में घुमाएगा, ठीक है भाई, जिस डायरेक्शन में मोटर का शाफ्ट घूम रहा है उसी डायरेक्शन में जनरेटर का भी शाफ्ट घूमेगा, राइट। और अभी जैसे ही आप यहाँ पे लोड लगाइएगा ना, तो लोड लगाते ही क्या होता है कि जो जनरेटर है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल टॉर्क डेवलप होगा, तो ये अगर जनरेटर का इस डायरेक्शन में शाफ्ट घूम रहा है तो ऑटोमेटिक क्या होगा, इस लोड लगाते हैं क्या होगा, ये एक तरीके से इस साइड में अपोज करने लगेगा, यहाँ पे एक तरीके से डेवलप टॉर्क के चलते अपोजिट में जाता है, ठीक है, मैंने आपको बताया था, क्योंकि यहाँ पे पावर एक तरीके से क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, एनर्जी एक तरीके से खींच रहा है, राइट। और सीधी सी बात है जब ये डेवलप टॉर्क, क्योंकि दोनों का कॉमन शाफ्ट है, तो जब डेवलप टॉर्क के चलते इस साइड में एक तरीके से अपोजिट टॉर्क लग रहा है, तो सीधी सी बात है मोटर का भी जो होगा ना, ये मोटर को भी एक तरीके से इसी साइड ना ये डेवलप टॉर्क एक तरीके से एक्ट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अब मोटर को एक तरीके से ज़्यादा भार पड़ेगा जनरेटर के शाफ्ट को घुमाने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि मोटर इधर से ज़्यादा करंट एक तरीके से खींचने लगेगा, आर्मेचर करंट यहाँ पे बढ़ने लगेगा, ठीक है। लेकिन वही अगर मान लेते हैं मैंने यहाँ पे एक तरीके से कोई लोड नहीं लगाया, स्विच मेरा ओपन है, स्विच ओपन है, इसका मतलब क्या कि यहाँ पे जनरेटर के अंदर कोई डेवलप टॉर्क ही नहीं बनेगा, डेवलप टॉर्क बनेगा नहीं, इसका मतलब क्या, मोटर अगर इस डायरेक्शन में घूम रहा है तो आपका जनरेटर भी आपका इसी डायरेक्शन में घूमते रहेगा, ठीक है, यानी अपोजिट टॉर्क कोई लगेगा ही नहीं यहाँ पे। तो इस चीज़ को आपको समझना भाई, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ है, हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से एक तरीके से डीसी सप्लाई दिया, डीसी सप्लाई देते हैं क्या होगा, इधर तो स्विच मेरा ओपन है, इसका मतलब इधर कोई पावर नहीं जाएगा, ठीक है, पूरा का पूरा आपका क्या होगा, करंट इधर आएगा, इधर इस पॉइंट पर आते हैं दो पार्ट में टूटेगा, कुछ करंट मेरा यहाँ से फील्ड में चला जाएगा, यानी मोटर के फील्ड में चला जाएगा, और कुछ आपका आर्मेचर में चला जाएगा। लेकिन समझिए क्योंकि
अगर हम लोग जनरेटर को देखें, यहाँ जैसे इसमें समझाना मैंने आपको, उसी तरीके से यहाँ पे समझिए ना कि जनरेटर का जो आउटपुट है भाई, जनरेटर का आउटपुट कौन सा है, मेन है ना, समझ रहे बात को, यही ना मेन है जनरेटर का आउटपुट। यहाँ पे स्विच ओपन है, स्विच ओपन मतलब क्या, एक तरीके से यहाँ पे कोई लोड नहीं, मतलब जनरेटर पर कोई लोड नहीं लगा, और कोई लोड नहीं लगा मतलब क्या, सबसे पहले ये जो मोटर एक तरीके से करंट खींचेगा ना, यानी जो भी पावर खींचेगा डी सी सोर्स की तरफ से, वो बहुत ही स्मॉल खींचेगा, क्योंकि मोटर इटसेल्फ नो लोड पे, ठीक है, क्योंकि जनरेटर मेरा इटसेल्फ नो लोड पे, दोनों नो लोड पे, ठीक है, तो मान लेते हैं नो लोड पे एक तरीके से इस डायरेक्शन में घूम रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, और आरपीएम मान लेते हैं 1500 आरपीएम है, ठीक है, तो सीधी सी बात है जिस स्पीड पे मोटर का शाफ्ट घूम रहा होगा उसी स्पीड पे आपका जनरेटर का भी शाफ्ट घूम रहा होगा, क्योंकि दोनों के लिए शाफ्ट क्या है, कॉमन है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से कपल्ड है, ओके। और इस जनरेटर के अंदर कुछ रेसिडुअल फ्लक्स होंगे, रेसिडुअल फ्लक्स होने के चलते कुछ आपका ईएमएफ बन रहा होगा, ईएमएफ बनने के चलते कुछ आपका यहाँ से करंट फ्लो होगा, और ये करंट फ्लो करके क्या होगा, ये अपने ही वाइंडिंग को क्या करेगा, एक तरीके से एक्साइट करते रहेगा, इधर कोई करंट नहीं जाएगा, क्योंकि इधर मेरा क्या है, एक तरीके से स्विच ओपन है, समझ रहे हैं। तो अभी स्टार्टिंग के केस में, यानी जैसे हम लोगों ने स्टार्ट किया, मोटर आपका एक तरीके से नो लोड पे चलेगा, जनरेटर भी आपका एक तरीके से नो लोड पे चलेगा, ठीक है, दोनों का शाफ्ट एक तरीके से 1500 आरपीएम पे चल रहा है। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि आपको पता है ये जो जनरेटर है भाई, ये जनरेटर जो है क्योंकि 1500 आरपीएम पे घूम रहा है, तो ये इस केस में क्या कर रहा है, अपने ही फील्ड को ये एक्साइट करना शुरू कर दिया, ठीक है, एक्साइटेशन इसको मिल रहा है फील्ड को, इसका मतलब क्या हुआ, धीरे धीरे इसका फ्लक्स क्या हो रहा होगा, स्ट्रांग हो रहा होगा, समझ रहे बात को, मैंने आपको बताया था वोल्टेज कैसे बिल्डअप होता है डीसी शंट जनरेटर में, ठीक है, तो धीरे धीरे इसका फ्लक्स बिल्डअप हो रहा होगा, और आपको पता है जो ईजी होगा, यानी जनरेटर के अंदर जो यहाँ पे जनरेटेड ईएमएफ होता है ईजी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके ऊपर, स्पीड के ऊपर और आपके फील्ड फ्लक्स के ऊपर, तो फ्लक्स आपका धीरे धीरे क्या हो रहा है, एक तरीके से बढ़ रहा है, स्पीड को आप नहीं बढ़ा सकते हैं, स्पीड को क्यों नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मोटर का स्पीड एक तरीके से नो लोड पे, मान लेते हैं नो लोड पे रेटेड स्पीड 1500 आरपीएम है, तो सीधी सी बात है जनरेटर का भी शाफ्ट का स्पीड 1500 आरपीएम फिक्स हो गया ना, समझ रहे हैं, तो स्पीड आपके हाथ में नहीं है, लेकिन ये फ्लक्स क्या है, एक तरीके से आपके हाथ में, और फ्लक्स को कैसे आप वेरी कर सकते हैं, इस वेरिएबल रिस्टेट को एक तरीके से घटा बढ़ा करके, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ये चाहते हैं भाई कि जो भी मेरा ईजी है, ठीक है, जो भी मेरा जनरेटेड ईएमएफ है, इसका जो वैल्यू हो ये वीटी के बराबर हो जाए। वीटी कहने का मतलब, यहाँ पे जो हम लोगों ने डीसी सप्लाई दिया है ना, टर्मिनल वोल्टेज, भाई यहाँ पे स्पेस तो बचा नहीं है, लेकिन आप इस फोटो में समझिए, ये मेरा एक तरीके से यहाँ पे वीटी है, समझ रहे बात को। तो सबसे पहले वाले केस में मैंने क्या बोला कि मोटर आपका नो लोड पे घूम रहा है, जनरेटर भी आपका एक तरीके से उसी स्पीड पे साफ घुमा देगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ईजी है, ये ईजी रेसिडुअल फ्लक्स के चलते स्टार्टिंग में बहुत ही स्मॉल होगा, लेकिन इस रेसिडुअल फ्लक्स के चलते जो स्मॉल ईजी हुआ, 2 वोल्ट 4 वोल्ट जो भी, उसके चलते मेरा एक करंट फ्लो होगा जो कि इस फील्ड फ्लक्स के अंदर जाएगा, ठीक है, तो थोड़ा सा और फील्ड फ्लक्स को स्ट्रांग करेगा, ठीक है। अब फील्ड फ्लक्स स्ट्रांग हुआ तो ईजी मेरा और स्ट्रांग हो जाएगा, 2 वोल्ट से मान लेते 5 वोल्ट हुआ, तो उस 5 वोल्ट के चलते और करंट एक तरीके से बहेगा, ठीक है, इस तरीके से धीरे धीरे वोल्टेज बिल्डअप होगा। तो हम लोग इस जनरेटर का वोल्टेज कहाँ तक लेके जाएंगे, हम लोग इस जनरेटर का वोल्टेज भाई लेके जाएंगे जो मेरा यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज है ना, क्योंकि देख रहे हैं ये सब पैरेलल में है, ये पूरा का पूरा पैरेलल में है, समझ रहे बात को, ये पूरा पूरा पैरेलल में जा रहा है आपका, ठीक है। तो जो वोल्टेज यहाँ पे वीटी है, वही वोल्टेज हम लोग यहाँ पे भी चाहते हैं, जनरेटर से जो आउटपुट मिले ये भी क्या मिले, एक तरीके से वीटी ही मिले, यानी ईजी को हम लोग कहाँ तक लेके जाएंगे, कहाँ तक इसे वोल्टेज को बिल्डअप करें, यानी फील्ड फ्लक्स को इस तरीके से वेरी करेंगे कि फ्लक्स मेरा इस तरीके से चेंज हो कि ईजी बराबर मेरा वीटी हो जाए, ठीक है। और जैसे ही मेरा यहाँ पे वीटी के बराबर ये जनरेटर का वोल्टेज हो जाएगा, तो ये जो वोल्ट मीटर है ना, ये वोल्ट मीटर मेरे को 0 वोल्ट रीड करने लगेगा। 0 वोल्ट कैसे रीड करेगा, समझिए, देखिए अगर ये वायर है और इस पॉइंट पे मान लेते हैं, इधर मान लेते हैं मेरा रेजिस्टेंस है भाई, ठीक है, और यहाँ पे मान लेते हैं इधर पीछे से कुछ सोर्स लगा हो, तो मान लो यहाँ पे आपका 10 वोल्ट ड्रॉप हो गया, ठीक है, इधर मान लेते हैं मेरा इधर 50 वोल्ट का सोर्स लगा होता है, तो 10 वोल्ट अगर ये खा गया, इसका मतलब क्या, इधर आगे कितना मिलेगा मेरे को वोल्टेज, 40 वोल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बताइए। हाँ, तो सीधी सी बात है भाई, इस पॉइंट पे मान लेते हैं मैं एक वोल्ट मीटर लगाता हूं, ठीक है, इस पॉइंट पे अगर 40 वोल्ट है और बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं मिला, यानी कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं मिला, सीधी सी बात है इस पॉइंट पे भी क्या होगा, 40 वोल्ट ही मिलेगा, तो सीधी सी बात है यहाँ पे भी 40 वोल्ट, यहाँ पे भी 40 वोल्ट, तो ये वोल्टमीटर कोई रीडिंग बताएगा क्या, नहीं बताएगा, क्योंकि वोल्टेज डिफरेंस ही नहीं है, समझ रहे हैं बात को। वोल्टमीटर कैसे काम करता भाई, ये वोल्टमीटर क्या, आपने एनालॉग इंस्ट्रूमेंट पढ़ा होगा, तो वोल्टमीटर में क्या होता है, जो पॉइंटर होता है क्या चाहिए उसको, एक तरीके से डिफ्लेक्ट होने के लिए क्या चाहिए, टॉर्क चाहिए ना, टॉर्क चाहिए, इसका मतलब क्या, इसके अंदर करंट चाहिए ना, इस वोल्टमीटर कोई करंट आएगा तभी तो ये एक तरीके से डिफ्लेक्शन शो करेगा। यहाँ पे आपका 40 वोल्ट है, यहाँ पे भी 40 वोल्ट, कोई करंट फ्लो होगा क्या इसके अंदर, नहीं फ्लो होगा, सीधी सी बात है, फिर ऐसे समझिए, यहाँ पे भी 40 वोल्ट है,
यहाँ पे भी 40 वोल्ट है राइट, और यहाँ पे अगर मैं कुछ रेजिस्टेंस लगा दूँ या फिर कहिए एक मैं एलईडी बल्ब लगा दे रहा हूँ, तो सीधी दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो इसके अंदर कोई करंट नहीं है, कोई करंट नहीं है तो एलईडी मेरा ग्लो नहीं करेगा, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग भाई यही चाहते हैं कि जनरेटर को हम लोग इतना एक्साइट करें, यानी इसका मतलब ये है कि इतना वोल्टेज बिल्डअप होना चाहिए कि ईजी जो है वीटी के बराबर हो जाए, ठीक है। जैसे मेरा ये मतलब इस पॉइंट का वोल्टेज और इस पॉइंट का वोल्टेज, क्योंकि देखिए देखिए भाई जब ये स्विच ओपन था ना, स्विच ओपन था इसका मतलब क्या, जो वोल्टेज मेरा यहाँ पे होगा डीसी सोर्स के पास वही वोल्टेज वोल्ट मीटर भी शो कर रहा होगा, वही वोल्टेज मेरे ये मोटर के क्रॉस भी होगा और वही वोल्टेज इस पॉइंट पे भी होगा, समझ रहे हैं, या फिर इस पॉइंट पे भी होगा, क्योंकि ओपन सर्किट में वोल्टेज जीरो नहीं होता कभी भी, यहाँ पे वोल्टेज होगा। कितना वोल्टेज होगा, जो वोल्टेज मेरा यहाँ पे होगा, क्योंकि इस लाइन में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, समझ रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कि अगर यहाँ पे मेरा वीटी शो कर रहा है तो इस पॉइंट पे भी मेरा वीटी ही होना चाहिए, तभी तो हम लोग स्विच क्लोज करेंगे। अगर दोनों में वोल्टेज डिफरेंस हो गया तो हमारा सिस्टम एक तरीके से यहाँ पे सेफ नहीं है, ठीक है, बस ऐसे समझिए। तो जनरेटर को हम लोग इतना मतलब फ्लक्स को चेंज करके इतना मतलब वोल्टेज बिल्डअप करना चाहिए कि वीटी और ईजी क्या हो जाए, एक तरीके से बराबर हो जाए, ठीक है। या फिर कहिए सीधे सीधे हम लोग ईजी को, यानी जनरेटर का जो आपका वोल्टेज है ईजी को 2 से 4 वोल्ट बड़ा ही रखेंगे वीटी से, ठीक है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या चाहते हैं भाई, हम लोग यहाँ पे चाहते हैं कि जो मेरा जनरेटर का आउटपुट है ना, जनरेटर आउटपुट में क्या देगा मेरे को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगा, ठीक है। तो जनरेटर का जो आउटपुट है ना, मैं फिर से किसको में फेड करना चाहता हूँ, फिर से मैं मोटर में ही देना चाहता हूँ, ठीक है। तो सीधी सी बात है, मैं चाहता हूँ कि मोटर का जो सॉरी जनरेटर से जो आउटपुट मिल रहा है ये किधर जाए, इधर जाए, इधर इस साइड जाए। तो सीधी सी बात है, मेरा इधर पे यहाँ पे जो पोटेंशियल होना चाहिए ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। यानी यहाँ पे मैं कहूँगा ईजी मेरा बड़ा होना चाहिए वीटी से, राइट। अगर मेरा ईजी बड़ा हो गया तो सीधी सी बात है, यहाँ पे मेरा एक तरीके से क्या है 40 वोल्ट है, मान लेते हैं इधर मेरा क्या एक तरीके से 35 वोल्ट है, तो 5 वोल्ट का डिफरेंस हुआ था, 5 वोल्ट का, तो हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तरफ करंट जाता है ना, इसका मतलब क्या है, जनरेटर जो है इटसेल्फ क्या करने लगेगा, इस जनरेटर को सप्लाई देने लगेगा, समझे। और इस पर्टिकुलर टेस्ट से आपको एक चीज़ और क्लियर होगा, जो कि यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा अभी चल रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्री एनर्जी डिवाइसेस। फ्री एनर्जी डिवाइसेस में आपने देखा होगा भाई कि वहाँ पे क्या किया जाता है, एक जनरेटर लिया जाता है, एक मोटर लिया जाता है, दोनों को कपल्ड करके, और पहले हम लोग क्या करते हैं, मोटर को एक तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे देते हैं, इसको एक स्पीड पे घुमा देते हैं, उसका फिर इधर से जो हमारा सप्लाई है उसको कट कर देते हैं, और फिर वहाँ पे दिखाता है कि मोटर जो है आउटपुट मैकेनिकल एनर्जी जनरेटर को दे रहा है, जनरेटर से जो मेरा आउटपुट है यहाँ पे मैं एक तरीके से बल्ब जला रहा हूँ, फिर फैन चला रहा हूँ जो भी, और ये एक तरीके से प्रोसेस चलते रहता है, वहाँ पे इस तरीके से दिखाया जाता है, लेकिन ये फेक होता है, कभी भी आप इसको प्रैक्टिकल लाइफ में अचीव नहीं कर सकते। क्यों नहीं अचीव कर सकते, अभी आपको समझ में आएगा। तो अभी तक हम लोगों ने सीधा सीधा ये समझ लिया है कि सबसे पहले हम लोगों ने मोटर को नो लोड पे चलाया, मोटर नो लोड पे है और जनरेटर को भी नो लोड पे ही रखेंगे, तब तक रखेंगे नो लोड पे जनरेटर को जब तक कि मेरा यहाँ पे जो वोल्टेज है ईजी जनरेटेड ईएमएफ ये एक तरीके से वीटी से बड़ा ना हो जाए, ठीक है। और जैसे वीटी से मेरा बड़ा हो गया थोड़ा सा 2-4 वोल्ट, ज़्यादा नहीं, ठीक है, सिर्फ ऐसे 2-4 वोल्ट, तो उससे मैं हम लोग स्विच को क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे, ठीक है। फिर सीधे सीधे कहिए जब मेरा वोल्ट मीटर एक तरीके से 0 वोल्ट के करीब करीब वोल्टेज शो करने लगेगा, उस समय हम लोग क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे स्विच को। और इस सिचुएशन में जब हम लोग क्लोज करेंगे तो इटसेल्फ ये जनरेटर अब क्या कर रहा है, एक तरीके से पावर यानी इलेक्ट्रिकल इनपुट प्रोवाइड करेगा इस मोटर को, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है भाई, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इधर जो मैंने बैटरी लगाया हुआ था यहाँ पे, देखिए इस वाले फोटो में देखिए, इधर जो मैंने बैटरी लगाया हुआ था इसको मैं यहाँ से हटा दूँ या नहीं हटाऊँ, ये क्वेश्चन आता है, क्योंकि आपने ऑलरेडी ऐसा एक्सपेरिमेंट देखा हुआ यूट्यूब में फ्री ऑफ फ्री एनर्जी के नाम पे, ठीक है। तो वहाँ पे तो इधर से जो डीसी सोर्स है ना, इसको प्रैक्टिकली रियल में हटाया नहीं जाता, वो बेवकूफ़ बना जाता है एक तरीके से, सिंपल वे में हम लोग अपने टॉपिक पे रहते हैं। मेरा यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि जब आप देख रहे हैं यहाँ पे भाई कि अब जनरेटर जो है इतना मतलब काबिल हो चुका है कि ये खुद जो है अब जनरेटर आई मीन मोटर को एज अ इलेक्ट्रिकल एनर्जी देने लगा है, फिर इलेक्ट्रिकल पावर देने लग गया है, तो क्वेश्चन आएगा ना आपके मन में कि इधर से जो मेरा सोर्स है डीसी सप्लाई, इसको हटा दूं या रहने दूं, ठीक है। अगर हम लोग इसको हटा देंगे तो ये जो होगा ना आपका ये मशीन धीरे 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 क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। कैसे बंद होगा उस पर बात करेंगे। तो हम लोगों को यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में मान के चलना है कि इस डीसी सप्लाई को अगर हम लोग हटा देंगे तो ये मेरा मशीन एक तरीके से काम करना बंद कर देगा, काम करना बंद कर देगा, इसका मतलब क्या मेरे को यहाँ पे डीसी सप्लाई देते रहना पड़ेगा, यानी डीसी सप्लाई को यहाँ से हटाना मेरे को नहीं है, ये हमेशा लगा हुआ रहेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे पॉज हुई है, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। हॉपकिंसन्स टेस्ट हमेशा फुल लोड के लिए होता है, ठीक है, यानी फुल लोड पे इसको एक तरीके से परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है भाई, एक क्वेश्चन आएगा आपके मन में
कि अगर इतना ही मेरा एक तरीके से सर्किट डायग्राम है तो कैसे आप कहेंगे कि ये मोटर और जनरेटर जो है फुल लोड पे काम कर रहा है या फिर कहिए रेटेड लोड पे काम कर रहा है, राइट? तो समझने वाली बात है भाई। देखें, स्टार्टिंग के केस में दोनों आपका क्या था, नो लोड पे था, राइट? इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन जब जनरेटर मेरा एक तरीके से, यानी सिंपल कहिए, जब मैंने यहाँ पे स्विच क्लोज कर दिया, स्विच कब क्लोज करेंगे, जब जनरेटर का जो है आउटपुट इतना वोल्टेज मिल रहा है कि VT बराबर EG, फिर कहिए EG जो है थोड़ा सा बढ़ा है VT से, उस केस में, ठीक है? तो अब समझिए यहाँ पे होगा क्या, क्योंकि यहाँ पे मैंने स्विच जैसे ही क्लोज किया तो समझिए उस केस में नो लोड पे क्या था, मोटर मान लेते हैं इस डायरेक्शन में शाफ्ट को घुमा रहा है तो जनरेटर का भी शाफ्ट को इसी डायरेक्शन में घुमाएगा। लेकिन जैसे मैंने यहाँ पे स्विच क्लोज किया ना, स्विच क्लोज करने का मतलब क्या है कि अब इस जनरेटर के लिए ये मोटर क्या हो गया, एक तरीके से लोड बन जाता है, ठीक है? यानी जनरेटर का जो आउटपुट है भाई वो कहाँ दे रहे हैं आप, मोटर में दे रहे हैं। तो सीधी सी बात है, जनरेटर के लिए लोड की तरह कौन एक्ट कर रहा है, ये मोटर ही ना एक्ट कर रहा है, समझ रहे हैं भाई? यहाँ पे ऐसे समझिए, ये आपका मोटर था, ठीक है, ये जनरेटर था, जनरेटर से आउटपुट वोल्टेज इतना बनने लगा कि आपने क्या किया, इसके तार को फिर से क्या कर दिया, इस मोटर को एक तरीके से जोड़ दिया, ऐसे जोड़ दिया। सीधी सी बात है, जनरेटर के लिए क्या हो गया, जनरेटर का लोड कौन लगेगा, ये मोटर लोड बन गया कि नहीं बन गया, बोलिए हाँ। तो इस केस में जैसे ही आपने स्विच क्लोज किया, तो स्विच क्लोज करते हैं क्या, क्योंकि अब ये जनरेटर पर लोड पड़ चुका है, लोड पड़ चुका है, इसका मतलब क्या, इस जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिकल डेवलप टॉर्क बनेगा। और क्योंकि ये शाफ्ट को जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक तरीके कर रहा है, इसका मतलब क्या, मोटर को अब और ज़्यादा ताकत एक तरीके से लगाना पड़ेगा इसी डायरेक्शन में जनरेटर को घुमाए रखने के लिए, ठीक है? यानी अब यहाँ पे क्या होगा, समझिए एक लाइन में बोलता हूँ, जनरेटर के लिए, और दोनों अगर आइडेंटिकल मशीन है भाई, दोनों अगर सेम आइडेंटिकल मशीन है, सेम रेटिंग का मशीन है, तो सीधी सी बात है ये जनरेटर जो भी आउटपुट दे रहा होगा उसके लिए ये मोटर क्या होगा, रेटेड लोड की तरह एक्ट कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा, बोलिए। देखिए, जनरेटर आउटपुट मान लेते हैं 200 वोल्ट जनरेट कर पा रहा है और ये मैक्सिमम करंट मान लेते हैं आपका 50 एम्पीयर कर पाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं? ये इसका क्या हो गया, मैक्सिमम रेटिंग हो गया, इतना एम्पियर इतने वोल्टेज पे दे सकता है, ठीक है? और ये जो मोटर है, क्योंकि मोटर भी सेम आइडेंटिकल, मतलब जितना नंबर ऑफ टर्न्स आर्मेचर में है, जितना नंबर ऑफ टर्न्स फील्ड वाइंडिंग में है, दोनों में सेम है, इसका मतलब क्या, ये मोटर भी एक तरीके से रेटेड टॉर्क डेवलप करने के लिए कितना करंट खींचेगा, 50 एम्पियर खींचेगा, कितने वोल्टेज पे खींचेगा, तो 200 वोल्ट पे खींचेगा, समझ रहे बात को? इसका मतलब क्या हुआ कि ये जनरेटर जो है, जैसे आपने स्विच क्लोज किया, तो स्विच क्लोज करते ही जनरेटर पे कौन सा लोड लग गया, रेटेड लोड लग गया, समझ रहे बात को? तो जनरेटर जो है रेटेड पावर एक तरीके से इसमें दे रहा है, मोटर में दे रहा है, तो सीधी सी बात है अगेन इस मोटर का जो आउटपुट होगा, और ये जो आउटपुट, मतलब भाई जनरेटर में इतना इनपुट देना पड़ेगा ना आपको, जनरेटर में इतना इनपुट देना पड़ेगा कि ये 50 एम्पीयर और 200 वोल्ट जनरेट कर सके, इसका मतलब क्या हुआ कि जनरेटर को भी क्या करना होगा, रेटेड प्राइम मूवर पे घुमाना होगा, मतलब प्राइम मूवर का भी ताकत कितना होना चाहिए, रेटेड होना चाहिए, मतलब क्या हुआ, समझ रहे हैं कि ये मोटर भी आपका इटसेल्फ क्या हो गया, रेटेड पे रन करने लग गया, और जनरेटर भी एक तरीके से रेटेड पे रन कर गया, क्योंकि ये एक दूसरे के लिए क्या है, ये इसका इनपुट है, मतलब मोटर जो हुआ इसका इनपुट हुआ और जनरेटर जो है इसका आउटपुट हुआ, समझ रहे हैं? मतलब ये जो भी एनर्जी दे रहा है ना आउटपुट में, ये पूरा पूरा कंज्यूम कर ले रहा मोटर, और मोटर जो जितना भी एक तरीके से एनर्जी बाहर दे रहा है, मैकेनिकल एनर्जी जो भी दे रहा है, वो पूरा का पूरा एक तरीके से जनरेटर ले रहा है, समझ रहे हैं? तो आपको समझ में आ रहा है, दोनों एक तरीके से रेटेड लोड पे काम कर रहा है, फिर दोनों जो है फुल लोड पे काम कर रहा है, समझ रहे हैं? यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगा के, जैसे यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस लगा के लोड दिखा ना, वैसा कनेक्ट करने का मतलब नहीं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, रेटेड बन जा रहे हैं। ओके, तो आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग थ्योरी के आगे पढ़ते हैं। देखिए, तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, इस टेस्ट को करने के लिए हम लोग को दो आइडेंटिकल शंट मशीन चाहिए और दोनों इलेक्ट्रिकली और मैकेनिकली कपल्ड होना चाहिए, ठीक है? एक जो है हमारा मोटर तरह एक्ट करेगा, दूसरा जो हमारा जनरेटर तरह एक्ट करेगा, ठीक है? मोटर जो है सबसे पहले आपका इनपुट से सप्लाई लेगा और आउटपुट में जो मैकेनिकल ये पावर दे रहा है आपको, वो क्या करेगा, जनरेटर को घुमा देगा, ठीक है? और जनरेटर को तब तक, मतलब जनरेटर के आगे जो स्विच लगा हुआ, ये वाला स्विच, ठीक है, स्विच को हम लोग क्लोज कर देंगे। तो सीधी सी बात है, अब इस केस में जैसे स्विच आप क्लोज करेंगे, यहाँ से पढ़ते, दस द आउटपुट ऑफ ईच मशीन इज फेड एज ए इनपुट टू द अदर, ठीक है? यहाँ तक समझा, एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट और दूसरे का इनपुट दूसरे का आउटपुट बन जा रहा है, ठीक है? व्हेन बोथ मशीन आर रन एट फुल लोड, ठीक है, समझा दिया कैसे फुल लोड पे वर्क करता है। द इनपुट फ्रॉम द सप्लाई, मतलब विल बी इक्वल टू द टोटल लॉस। देखिए क्या बोला इसने, मैंने यहाँ पे बताया भाई कि जब ये दोनों मशीन एक दूसरे को, जो इसको चाहिए वो इसको मिल जा रहा है, जो इसको चाहिए इसको मिल जा रहा है, ठीक है? एक दूसरे को जब सप्लाई कर रही लग रहा है, तो यहाँ पे हम लोग को डीसी सप्लाई देने का क्या मतलब है, समझ रहे हैं? लेकिन यहाँ पे समझिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इस डीसी सप्लाई का यहाँ पे क्यों जरूरत पड़ेगा हम लोग को, क्योंकि भाई अभी जैसे मैंने आपको बताया
कि रेटिंग जो होता है किसी भी मशीन का वो आर्मेचर के पावर के ऊपर डिफाइन किया जाता है, ठीक है, यानी आर्मेचर इटसेल्फ डिफाइन करता है किसी भी मशीन का रेटिंग, समझ रहे बात को। तो मुझे बताइए कि ये जो जनरेटर है, ये जनरेटर एक तरीके से 50 एम्पियर 200 वोल्ट पावर जनरेट कर रहा है, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा पावर किसको दे दे रहा है, मोटर को दे दे रहा है, ठीक है, ध्यान समझिएगा, ये पूरा का पूरा पावर किसको मिल जा रहा है, आर्मेचर, मोटर के आर्मेचर को मिल जा रहा है, ठीक है, और ये पूरा का पूरा पावर इसने जो लिया है यहाँ पे, ये फिर से क्या कर दे रहा है, मैकेनिकल में कन्वर्ट कर दे रहा है। लेकिन मुझे बताइए कि मोटर के अंदर भाई आपका जो फ्रिक्शन लॉस होगा, ठीक है, जो विंडेज लॉस होगा, उसको आपने कहीं से सप्लाई दिया क्या भाई? विंडेज लॉस, फ्रिक्शन लॉस, और जो इसमें ऑलरेडी एक स्टोर्ड एनर्जी होता है जो कि हम लोग इनर्शिया बोलते हैं, उसको आपने सप्लाई दिया क्या? कहने का मतलब इसको अगर हम लोग एनालॉगस लेके समझें तो जैसे मान लेते हैं हम लोग के पास यहाँ पे क्या क्या है। सबसे पहला तो हो गया आपका जिसको हम लोग बोलेंगे सीधे सीधे स्ट्रे लॉसेस, ठीक है, स्ट्रे लॉसेस, स्ट्रे लॉसेस में क्या आ जाएगा, विंडेज प्लस फ्रिक्शन, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा यहाँ पे स्टोर्ड एनर्जी, ठीक है, स्टोर्ड एनर्जी, राइट, जिसको हम लोग यहाँ पे इनर्शिया बोलेंगे। और तीसरा आ जाएगा आपका जो, और ये हम लोग मोटर के लिए देख रहे हैं क्योंकि मोटर में आप देख लिया तो जनरेटर में भी आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा। और तीसरा जो पावर है ये एक तरीके से रियल पावर है, या फिर कहिए इसको हम लोग बोलेंगे एक्टिव पावर, ठीक है। एक्टिव पावर कहने का मतलब क्या, समझिए समझिए, ऐसे समझाता हूँ, ये मेरा मोटर है, ठीक है, मोटर में मैंने एक तरीके से इनपुट एनर्जी दिया यहाँ पे 100%, राइट। इस 100% का जो एनर्जी है ये सबसे पहले कहाँ जाएगा, स्ट्रे लॉसेस में चला गया, मान लेते 10% जो स्ट्रे लॉसेस में चला गया, स्टोर्ड एनर्जी मान लेते 5% चला गया, तो बाकी का जो बचा कितना, 85%, ये 85% ही क्या है, एक तरीके से रियल पावर यानी टॉर्क बनाने में एक तरीके से यूज़ हो रहा है, समझ रहे बात को। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे क्या बोला कि जो जनरेटर से आउटपुट मिल रहा है 50 एम्पियर और 200 वोल्ट, ये क्या है एक तरीके से, ये पूरा का पूरा पावर क्या हो रहा है, ये मोटर यूज़ कर ले रहा है इसके लिए, रियल पावर में एक तरीके से यूज़ कर ले रहा है, मतलब टॉर्क बनाने में एक तरीके से यूज़ कर ले रहा है। तो भाई स्ट्रे लॉसेस और स्टोर्ड एनर्जी को कौन देगा पावर, समझ रहे हैं, क्योंकि अगर ये मोटर एक तरीके से काम कर रहा है तो ये काम कर रहा है, इसका मतलब क्या है, स्ट्रे लॉसेस भी रहेगा हमेशा, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं क्योंकि प्रैक्टिकल कंडीशन में ये सब प्रेजेंट रहता है, ठीक है, स्टोर्ड एनर्जी को भी आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा समझिए, ये आपका मोटर था, ये आपका जनरेटर था, ठीक है, ये कपल्ड है शाफ्ट, तो जनरेटर से जो भी आपका आउटपुट मिला 50 एम्पियर गुना 200 वोल्ट, तो ये जो पावर है ना, ये पावर पूरा का पूरा मोटर जो है आर्मेचर में दे दे रहा है ये टॉर्क को एक तरीके से जनरेट करने के लिए, क्योंकि आपको पता है ये पूरा का पूरा पावर खा जाएगा मोटर, क्यों, क्योंकि इसको उतना ही आउटपुट में मैकेनिकल एनर्जी फिर से देना है ना, ताकि ये जनरेटर को इतने आउटपुट में एक तरीके से बनाते रहे। भाई मेरे, अगर मोटर मैकेनिकल पावर जितना इस जनरेटर को चाहिए उतना नहीं दे पाएगा तो कभी भी इतना ये पावर जनरेट कर पाएगा क्या जनरेटर, समझ रहे बात को। इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल वे में समझिए ना, जो भी आपका जनरेटर से आउटपुट मिल रहा है ना, वो पूरा का पूरा पावर जो है सिर्फ और सिर्फ टॉर्क बनाने में चला जा रहा है, लेकिन मोटर को भाई चलते रहने के लिए स्ट्रे लॉसेस पे भी चाहिए, स्टोर्ड एनर्जी पे भी चाहिए, और इसके अंदर फील्ड कॉपर लॉस को तो हम लोगों ने मेंशन ही नहीं किया, यानी उसके लिए भी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो डीसी सप्लाई, यानी इधर से जो भी पावर आएगा ना, इधर से जो भी पावर आएगा या फिर जो भी करंट खींचेगा, वो करंट एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल होगा किस किस चीज़ को एक तरीके से प्रोवाइड करने के लिए, ये होगा आपका स्ट्रे लॉसेस के लिए, स्टोर्ड एनर्जी के लिए, और जो आपका फील्ड कॉपर लॉस हो रहा है उसके लिए, ठीक है। इसीलिए आपका जो फ्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट होता है ना, उसमें अगर आप प्रैक्टिकल अपने घर में जेन्युइनली, मतलब बिना कोई वैसा फेक किए हुए कीजिएगा ना, तो इस केस में जैसे आप डीसी सप्लाई यहाँ से हटा दीजिएगा तो ये क्या होगा, कुछ देर तक चलेगा, कुछ देर तक चलने का मतलब क्या, क्योंकि इनमें इनर्शिया है, ठीक है, इनर्शिया के चलते ये इसके शाफ्ट को घुमाते रहेगा और यहाँ से जो आउटपुट मिल रहा है ये इस मोटर को मिलते रहेगा, ठीक है। लेकिन इसमें आप देख रहे हैं कि जो आपका स्ट्रे लॉसेस हुआ, फ्रिक्शन, विंडेज, और जो आपका यहाँ पे स्टोर्ड एनर्जी हुआ, ठीक है, इनर्शिया जिसको बोल रहे हैं, जो आपका फील्ड कॉपर लॉस हुआ, फिर आर्मेचर कॉपर लॉस हुआ, उसको तो आप नहीं दे पा रहे हैं ना, समझ रहे हैं, तो उसके चलते क्या होगा, धीरे धीरे मशीन आपका स्लो डाउन होकर होते 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 बंद हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए कभी भी फ्री ऑफ एनर्जी पॉसिबल ही नहीं है भाई, ओके। और अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, आपके मन में क्वेश्चन क्या आएगा भाई, कि
अगर मैं जनरेटर का रेटिंग थोड़ा सा बड़ा कर दूं, मान लेते हैं दोनों आइडेंटिकल मशीन ही लगाता हूं, मान लेते हैं मेरा छोटा रेटिंग का है, जनरेटर मेरा थोड़ा सा बड़ा रेटिंग का है, तो इस केस में फिर जनरेटर मेरे को ज़्यादा पावर देगा, ज़्यादा पावर देगा तो फिर मोटर को देंगे, तो ये एक तरीके से फिर भी पॉसिबल नहीं है भाई, ठीक है। ओके, क्यों नहीं पॉसिबल है वो बात की बात है, अभी हम लोग अपने कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे। तो यहां तक मैंने आपको समझाया, द इनपुट फ्रॉम सप्लाई विल बी इक्वल टू द टोटल लॉसेस ऑफ बोथ द मशीन, मतलब इधर से जो भी इनपुट आ रहा होगा, देखिए लाइन पढ़िए, द इनपुट फ्रॉम द सप्लाई, सप्लाई मतलब क्या है, डीसी सप्लाई, ठीक है, द इनपुट फ्रॉम द डीसी सप्लाई विल बी इक्वल टू द, मतलब इधर से जो भी आपका, इधर जैसे वोल्टेज वी है, ठीक है, इधर जो करंट है, जो भी पावर दे रहा होगा ना, इधर इस साइड में सिस्टम में जो भी पावर दे रहा होगा वो कितने के बराबर होगा, तो बोल रहा है द टोटल लॉसेज ऑफ द बोथ द मशीन, यानी इसमें भी विंडेज फ्रिक्शन आ रहा होगा, तो इसमें भाई आपका फ्रिक्शन विंडेज लॉस होगा, ठीक है, आई स्क्वायर आर ए लॉस यानी कॉपर लॉस भी होगा, आपका फील्ड में भी कॉपर लॉस होगा, उसी तरीके से आपके जनरेटर में भी तो लॉसेस होगा, क्योंकि जनरेटर का भी शाफ्ट घूम रहा है, तो इसमें भी फ्रिक्शन और विंडेज लॉस होगा, आर्मेचर कॉपर लॉस होगा, फील्ड कॉपर लॉस होगा, समझ रहा है। तो इधर से जो भी आपका सप्लाई आएगा ना, वो सप्लाई एक तरीके से लॉसेस को एक तरीके से फुलफिल करेगा, यानी लॉसेस में जो भी पावर चाहिए ना उसको एक तरीके से फुलफिल करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि आप सप्लाई से, इस साइड से डीसी सप्लाई से सिर्फ और सिर्फ लॉसेस को एक तरीके से फुलफिल कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है, हैंस द पावर इनपुट फ्रॉम द सप्लाई इज़ वेरी स्मॉल, क्योंकि आपको पता है लॉसेस जो होगा भाई वो बहुत ही स्मॉल पावर कंज्यूम करता है ना, फ्रिक्शन ऑफ विंडेज लॉसेस में कितना एक तरीके से बहुत ही स्मॉल पावर जाता है, ठीक है, आर्मेचर कॉपर लॉस में भी एक तरीके से जो जाएगा थोड़ा बहुत, मतलब उसमें ही ज़्यादा जाता है, बाकी तो आपका जो कॉन्स्टेंट लॉस है उसमें तो बहुत ही कम जाता है ना। ओके, तो वही सब लिखा हुआ। अगला बोल रहा है, द सर्किट डायग्राम फॉर द हॉपकिंसन टेस्ट आर शोन, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी समझ लिया है सर्किट डायग्राम, मशीन जो है एम जो होगा हम लोग का स्टार्ट करेंगे पहले सप्लाई से, जो कि मोटर इंटरैक्ट करेगा विद द हेल्प ऑफ अ स्टार्टर, जो कि फोटो में यहाँ पे दिखाया नहीं है, ठीक है, तो स्टार्टर वाला भी मैं फोटो दिखा देता हूँ, बिकॉज आपको पता है मोटर को हम लोग बिना स्टार्टर के स्टार्ट लगाए हुए स्टार्ट नहीं करते हैं। देखिए यहाँ पे स्टार्टर लगा हुआ है, लाइन फील्ड आर्मेचर, ठीक है, तो स्टार्टर इस वाले स्टैंडर्ड बुक में दिखाया गया आपका, तो फोटो में आप स्टार्टर एक तरीके से मेंशन कर सकते हैं। और आगे लिखा है द स्विच एस इज केप्ट ओपन, यानी हम लोग स्टार्टिंग में स्विच को ओपन रखेंगे, द फील्ड करंट ऑफ एम इज एडजस्टेड विद द हेल्प ऑफ फील्ड रियोस्टेट टू इनेबल द मोटर टू रन एट अ रेटेड स्पीड, यानी मोटर को एक तरीके से रेटेड स्पीड पे लाने के लिए। देखिए ओवरऑल जो मेरा ये हॉपकिंसन टेस्ट है, इसमें आपका एम जी साइड जो यूज किया गया, दोनों क्या होना चाहिए, रेटेड पे एक तरीके से ऑपरेट होना चाहिए, ठीक है, तो रेटेड पे लाने के लिए क्या कर सकते हैं, देखिए जनरेटर के लिए आउटपुट में क्या मिलता है मेरे को, वोल्टेज और करंट मिलता है ना, तो वोल्टेज और करंट एक तरीके से रेटेड पे लाने के लिए क्या करेंगे, फील्ड फ्लक्स को एक तरीके से वैरी करेंगे या फिर अपने शाफ्ट के स्पीड को वैरी करेंगे, क्योंकि ईजी इसी के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, स्पीड तो मेरा कांस्टेंट होगी, मोटर डिफाइन कर देगा स्पीड, तो बचेगा क्या जनरेटर के लिए, सिर्फ और सिर्फ फील्ड फ्लक्स को एक तरीके से वैरी करना, जो कि यहाँ पे वेरिएबल रियोस्टेट के सहारे आप कर सकते हैं। मोटर में अगर बात करें, मोटर को अगर रेटेड स्पीड पे लाना हो तो सीधी सी बात है, अगर हम लोग यहाँ पे स्पीड की बात करें तो स्पीड आपका फिर से वही फ्लक्स इन्वर्सली होता है, ठीक है, तो फील्ड को भी एक तरीके से क्या कर सकते हैं, आगे पीछे करके आप अपने मोटर के स्पीड को एक तरीके से वैरी कर सकते हैं, ठीक है, तो वही है, रेटेड स्पीड पे ले आएंगे फील्ड को एडजस्ट करके। अगला बोल रहा है द मशीन जी एक्ट एज अ जनरेटर, जो कि जनरेटर तैयार करेगा, सिंस जी इज मैकेनिकली कपल टू द एम इट्स रन एट द रेटेड स्पीड ऑफ द मोटर, सीधी सी बात है जिस स्पीड पे आपका मोटर घूम रहा होगा मोटर का शाफ्ट, उसी स्पीड पे आपका जनरेटर का भी शाफ्ट घूमेगा, क्योंकि दोनों मैकेनिकली कपल्ड है, द एक्साइटेशन ऑफ द जनरेटर, सीधी सी बात है भाई कि जैसे 1500 आरपीएम पे आपका जनरेटर घूम रहा है, ये मोटर घूम रहा है, तो 1500 आरपीएम पे आपका क्या होगा, एक तरह जनरेटर घूमेगा, लेकिन थोड़ी ना, जरूरी थोड़ी ना कि 1500 आरपीएम पे घूमेगा तो जनरेटर जो है आपका रेटेड आउटपुट वोल्टेज देने लगे, नहीं दे सकता है, ठीक है, तो हम लोग फिर यहाँ पे रेटेड आउटपुट जनरेटेड ईएमएफ को एक तरीके से पाने के लिए क्या करेंगे, फील्ड फ्लक्स को एक तरीके से वेरी करेंगे, घटाएंगे बढ़ाएंगे, ठीक है, उस बेसिस पे हम लोग को आउटपुट रेटेड वोल्टेज भी मिलने लगेगा जनरेटर से। बोरा द एक्साइटेशन ऑफ द जनरेटर इज सो एडजस्टेड, मतलब एडजस्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ फील्ड रियोस्टेट आर जी, जी मतलब जनरेटर हो गया एक तरीके, डैट द वोल्टेज अक्रॉस द आर्मेचर ऑफ जी इज स्लाइटली हायर देन द सप्लाई वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज हायर ही करेंगे, क्यों, क्योंकि आपको पता है भाई कि यहाँ पे क्या होगा, आर्मेचर रेजिस्टेंस होगा ना, समझ रहे बात को, तो आर्मेचर रेजिस्टेंस में ड्रॉप हो जाएगा, तो उस ड्रॉप को भी एक तरीके से कंपनसेट करके हम लोग यहाँ पे क्या चाहते हैं, ओवरऑल वोल्टेज वी टी इक्वल टू ई जी के बराबर या फिर ई जी थोड़ा सा बड़ा रखेंगे हम लोग। ओके, तो वही है, हायर देन द सप्लाई वोल्टेज बोल रहा है, इन एक्चुअल प्रैक्टिस द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द जनरेटर इज कैप्ट 1 or 2 volt higher than the supply bus bar voltage, ठीक है, समझा दिया मैंने आपको, ताकि हम लोग का ऑटोमेटिक वोल्टेज रेफरेंस आ जाए, ऑटोमेटिकली क्या करें जनरेटर को सप्लाई करने लगे। When this is achieved, the voltage of the generator being equal and of the same polarity of at the bus bar, सीधी सी बात है, बस बार का ये अगर प्लस है तो इसको भी प्लस करें, सेम पॉलिटी होना चाहिए, ठीक है, पॉलिटी कितना इंपॉर्टेंट होता है ट्रांसफॉर्मर में, मैंने आपको पैरेलल कनेक्शन में बताया था ये सब। ओके, अंडर दिस कंडीशन द जनरेटर इज सेट टू फ्लोट,
ठीक है, यानी इस केस में जनरेटर क्या है, फ्लोट। फ्लोट का मतलब होता है भाई, इट इज़ नाइदर टेकिंग एनी करंट फ्रॉम नॉर गिविंग एनी करंट टू द सप्लाई। सीधी सी बात है भाई, इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज अगर आप बराबर कर दीजिएगा तो फ्लोटिंग हो गया कि नहीं हो गया, ना इधर से वोल्टेज करंट ले रहा है ना इधर से कुछ ले रहा है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। एनी रिक्वायर्ड लोड कैन नाउ बी थ्रोन ऑन द मशीन बाय एडजस्टिंग द एक्साइटेशन। अब बोल रहा है कि अब यहाँ पे किसी भी लोड पे अगर आपको ये मोटर जनरेटर एक तरीके से ऑपरेट करना है भाई, तो आप इसके एक्साइटेशन को एक तरीके से घटा बढ़ा कर, जैसे एक्साइटेशन को घटाएंगे बढ़ाएंगे तो स्पीड एक तरीके से मोटर का क्या होगा, घटेगा बढ़ेगा। स्पीड घटेगा तो सीधी सी बात है मोटर का भी शाफ्ट का स्पीड घट जाएगा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उस बेसिस पर आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे जो आउटपुट में वोल्टेज जनरेट हो रहा है, ठीक है, उसको भी आप घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, किसी भी एनी रिक्वायर्ड लोड कैन बी थ्रोन ऑन द मशीन बाय एडजस्टिंग द एक्साइटेशन ऑफ द मशीन विद द हेल्प ऑफ यहाँ पे फील्ड रियोस्टेट। ठीक है, यानी इनके जो भी फील्ड वाइंडिंग है उसको आप घटा बढ़ा कर सकते हैं। और अभी सिंपल वे में समझिए भाई कि दोनों को, मतलब दोनों को इस तरीके से एडजस्ट करेंगे, इनके फील्ड वाइंडिंग फील्ड फ्लक्स इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि ये रेटेड पे घूमे, ये भी आपका रेटेड पे घूमे। ठीक है, और इसका फील्ड फ्लक्स इस तरीके से करेंगे कि ऑटोमेटिक क्या हो, एक तरीके से आउटपुट में जो वोल्टेज मिले यानी जो भी पावर मिले आर्मेचर करंट, यहां से जो भी करंट आएगा जो वोल्टेज आएगा वो एक तरीके से क्या हो जाएगा, इसके लिए रेटेड एक तरीके से इनपुट हो जाएगा मोटर के लिए। रेटेड मतलब इसके लिए रेटेड आउटपुट हो गया, और रेटेड आउटपुट पूरा पूरा आपका मोटर ले ले रहा है, यानी मोटर भी आप कहेंगे कि पूरा पूरा रेटेड इलेक्ट्रिकल एनर्जी खींच रहा है। तो दोनों क्या हो जाएगा, आपका फुल लोड पे आ गया कि नहीं आ गया, बोलिए। ठीक है, तो उसी हिसाब से अगर मान लेते फुल लोड से नीचे पे एक तरीके से ऑपरेट करना, तो सीधी सी बात है इसका इसका आप एक तरीके से स्पीड है भाई, पावर होता है ना आउटपुट में क्या दे रहा है, मैकेनिकल पावर। मैकेनिकल पावर इक्वल टू क्या होता है आपका टॉर्क इनटू स्पीड। ठीक है, या तो टॉर्क को आप चेंज कर दिया तो स्पीड को चेंज कर दिया, ऑटोमेटिक क्या होगा रेटेड से नीचे आ जाएगा, समझ रहे हैं। इसका अगर रेटेड से नीचे पे टेस्ट करना है एफिशिएंसी को, तो सीधी सी बात है इसका आप जो आउटपुट में जो वोल्टेज है ईजी उसको एक तरीके से चेंज कर दीजिए। ठीक है, तो आपके हाथ में वही लिखा है, किसी भी लोड पे आप एक तरीके से क्या कर सकते हैं इसको एडजस्ट। लेकिन मैंने जो आपको समझाया वो रेटेड पे, रेटेड मतलब क्या, ये रेटेड आउटपुट दे रहा है और रेटेड आउटपुट पूरा पूरा क्या हो रहा है, मोटर एक तरीके से एज अ रेटेड इनपुट ले ले रहा है। ठीक है, तो आउटपुट में आपको ये साफ एक तरीके से रेटेड पावर देगा, ये रेटेड पावर एक तरीके से दे रहा है, तो वही जनरेटर में भी एक तरीके से रेटेड पावर मिल जा रहा है। ठीक है, लेकिन वही लॉसेस को प्रोवाइड करने के लिए आपको यहाँ पे डीसी सप्लाई कनेक्ट करते ही रहना होगा। तो ये पूरा का पूरा आपका शंट मशीन के लिए थ्योरी वाला पोर्शन था भाई। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे पूरा का पूरा यहाँ से न्यूमेरिकल कैलकुलेशन कैसे एफिशिएंसी फाइंड आउट करते हैं। तो ऑलरेडी हम लोगों ने थोड़ा सा बता देता हूँ मैं, देखिए V हो गया सप्लाई वोल्टेज, IL हो गया लाइन करंट। लाइन करंट का मतलब क्या, ये जो आपका एमीटर नाप के दे देगा, यहाँ से देख रहे हैं IL लिखा हुआ यहाँ पे। ठीक है, एमीटर आपको नाप के दे देगा। इनपुट करंट टू द मोटर IM हो जाएगा, सीधी सी बात है। इस पॉइंट पे आते हैं क्या होगा, दो पार्ट में टूटेगा ना, इधर तो कोई करंट जाएगा नहीं क्योंकि ओपन स्विच है, तो पूरा का पूरा करंट आपका आ गया इधर, ये IM हो गया। IM पे दो पार्ट में टूटेगा, एक आपका शंट में चला जाएगा एक्साइटेशन के लिए और एक आपका आर्मेचर में चला जाएगा। IAM मतलब क्या है, मोटर हो गया एक तरीके से। ओके, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, वही लिखा हुआ है। IM जो हो गया मोटर इनपुट करंट, IG हो गया जनरेटर आउटपुट करंट। देखिए यहाँ से जो भी जनरेटर आउटपुट देगा आपको, ये क्या हो जाएगा, IA यानी जनरेटर के आर्मेचर से करंट निकल रहा है। ठीक है, उसके बाद हो गया ISHM मतलब मोटर के शंट फील्ड में करंट चला गया। ISHG मतलब जनरेटर का जो शंट फील्ड करंट है, क्योंकि ये जो आपका IAG है ना, यहाँ पे आती दो पार्ट में टूटेगा, इधर आ जाएगा आपका क्या ISHG मतलब शंट के लिए एक्साइटेशन चला गया जनरेटर का। ठीक है, और बाकी आपका इधर निकल जाएगा IG बाहर निकल जाएगा। ओके, आरए आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ ईच मशीन, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है दोनों के लिए आरए आरए हो जाएगा। RSHM मतलब ये मोटर का शंट फील्ड रेजिस्टेंस हो गया। RSHG जनरेटर का शंट फील्ड रेजिस्टेंस हो गया, दोनों आइडेंटिकल है दोनों का रेजिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। अगला बोलता है EG इक्वल टू जनरेटेड इंड्यूस्ड EMF, EM इक्वल टू मतलब EMF के लिए इधर बैक EMF बोल सकते हैं, EM भाई यहीं पे EM होगा ना, यहाँ पे बैक EMF इंड्यूस्ड होगा, यहाँ पे आपका EG जनरेट होगा। ठीक है, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे आपका कैलकुलेशन है, जैसे जनरेटर की बात करें तो जनरेटर में क्या हो जाएगा आपका EG इक्वल टू V प्लस IAG इंटू RA, मोटर के लिए देखें तो V माइनस IAM इंटू RA। अब ये इक्वेशन कैसे बनता है इसमें आप मत पूछिएगा, बिकॉज बहुत ही बेसिक है आपका। और मैंने आपको बताया कि EG को बड़ा रखना होगा EM से, मतलब मोटर का जो बैक EMF है ना भाई, उससे बड़ा रखेंगे ना तभी तो जनरेटर एक तरीके से सप्लाई करेगा। ठीक है, और अब आपको पता है यहाँ पे जो EG होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्लक्स के ऊपर और स्पीड के ऊपर। EM बैक EMF जो का मोटर का, ये भी आपका मोटर का फ्लक्स और स्पीड के ऊपर। ठीक है, तो स्पीड दोनों के लिए कॉमन हो जाएगा क्योंकि मोटर एक तरीके से कांस्टेंट स्पीड पे घूम रहा है, तो जनरेटर का भी स्पीड कांस्टेंट हो जाएगा, तो बच्चा क्या सिर्फ और सिर्फ फ्लक्स, दोनों के फ्लक्स को एक तरीके से एडजस्ट करेंगे। ठीक है, अब सीधी सी बात है, जनरेटर मेरे को अगर बनाना है मतलब जनरेटर से एक तरीके से इनपुट देना है, तो सीधी सी बात है देखिए स्पीड दोनों का अगर कांस्टेंट हो गया भाई और EG को मेरे को एक तरीके से बड़ा करना है EM से, तो सीधी सी बात है EG का
जो वैल्यू है किस पर डिपेंड कर रहा है, स्पीड और फ्लक्स। तो स्पीड तो मेरा कॉन्स्टेंट हो गया, समझते क्या ई जी का जो ये फ्लक्स है इसको बढ़ाना होगा, ठीक है। वही लिखा होगा कि जनरेटर का जो फ्लक्स होगा बड़ा होना चाहिए फाइ एम से, तभी ना ये एक तरीके से जनरेटर ट्रैक्ट करेगा, समझ रहे बात को, ठीक है। तो वही सब लिखा हुआ है कि आई एस एच मतलब जो जनरेटर, जी मतलब जनरेटर, ठीक है। तो जनरेटर का जो फील्ड वाइंडिंग करंट होगा वो बड़ा होना चाहिए, मतलब फील्ड वाइंडिंग बड़ा हो गया, समझते सीधे सीधे आपका जनरेटर का फ्लक्स बड़ा हो गया एज कम्पेयर टू जो आपका मोटर का फ्लक्स है उससे, ओके। तो वही लिखा है दस द एक्साइटेशन ऑफ जनरेटर शैल ऑलवेज बी ग्रेटर देन डैट ऑफ द मोटर, ठीक है। यानी एक्साइटेशन जो होगा जनरेटर का वो हमेशा बड़ा होना चाहिए एज कम्पेयर टू मोटर, तभी तो इसका ईजी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। दैट इज द मशीन विथ अ स्मॉलर एक्साइटेशन एक्ट एज अ मोटर। मतलब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कौन सा मोटर की तरह एक्ट करता है, कौन सा जनरेटर तरह एक्ट करता है एक एमजी सेट में, तो आप सीधे सीधे बोलेंगे कि एमजी सेट में दोनों का स्पीड कॉन्स्टेंट हो गया है क्योंकि दोनों मैकेनिकली कपल है सेम शाफ्ट के लिए, तो वहां पर आपका सीधे सीधे जिसका एक्साइटेशन ज़्यादा होगा वो एज अ जनरेटर की तरह एक्ट करेगा और जिसका एक्साइटेशन कम होगा उस वो एज अ मोटर की तरह एक्ट करेगा भाई, ठीक है। तो आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात कर लेंगे, ठीक है। तो इतना हम लोगों ने पढ़ लिया, अब इसमें कुछ है नहीं, ओके।